हाँ बेटा, नमस्कार, वेलकम बैक। आज अपना 12th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 11th है, 11वां लेक्चर है अपना। तो लेक्चर 10th में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 10th में हमने बीजांड के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उन 6 प्रकारों में हमें एक एक दो दो जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा अपन वर्डन नहीं लेना है उसमें। केवल एक एक दो दो जो बातें आपको लास्ट में समराइज करके बताया था वो ध्यान रखनी है। तो उससे क्या है, हमारे 6 प्रकार बड़ी आसानी से चित्र सहित हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बीजांड के प्रकार से हम आगे चलते हैं। चलिए, बीजांड के प्रकार के बाद में आता है गुरु बीजाणु जनन। क्या आता है? गुरु बीजाणु जनन। अंग्रेजी में कहेंगे इसको मेगा स्पोरो जेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन जो अपन को पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि हमें गुरु बीजाणु जनन पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पता होना चाहिए। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को मैं एक बार यहाँ अपन फ्लो चार्ट बना करके एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कि यदि ध्यान हो तो गुरु जो लघु बीजाणु धानी का विकास हो रहा था तो उसमें जो समांग कोशिकाओं का समूह बना था उसमें क्या हो रहा था, कुछ अधः त्वचीय कोशिकाएं किस रूप में कार्य कर रही थी, प्रसूतक कोशिका के रूप में। किस रूप में कार्य कर रही थी? प्रसूतक कोशिका के रूप में। इसमें क्या हुआ, एक अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। अब देखिए बेटा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें आप, कहीं पर भी अनुप्रस्थ विभाजन आए या अनियमित विभाजन आए या केवल विभाजन आए, है ना, उन सभी परिस्थितियों में आपको दिमाग में ये बिठा लेना है ये सारे विभाजन कैसे हैं, समसूत्री हैं। जहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा वहाँ स्पेशली अर्धसूत्री विभाजन शब्द आएगा, अर्धसूत्री शब्द जरूर आएगा। और यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, समसूत्री हो रहा है, तो वहाँ पर या तो केवल विभाजन लिख देंगे या आएगा, या फिर अनुप्रस्थ विभाजन आएगा, अनुदैर्ध विभाजन आएगा या अनियमित विभाजन आएगा। ठीक है, तो ये कैसा विभाजन हो गया, समसूत्री। समसूत्री विभाजन अनुप्रस्थ रूप से किसमें हुआ, प्रसूतक कोशिकाओं में। तो इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनी थी, एक कोशिका को नाम दिया था हमने प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक को नाम दिया था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये हुआ था प्राथमिक भित्ति कोशिका में फिर से विभाजन कैसे हुए, अनियमित। अब इसमें अनियमित शब्द आ रहा है, विभाजन कौन सा हो गया, समसूत्री। तो इससे क्या बन गई, भित्ति बनी और भित्ति के स्तर कितने हुए, 4 एक एक करके। सबसे पहले बाहरी भित्ति थी, उसका नाम था बाह्य त्वचा। दूसरे नंबर पर भित्ति कौन सी थी, अंतःस्थीसियम। तीसरे नंबर पर मध्य परत और चौथे नंबर पर टैपिटम। ठीक है, आगे टैपिटम दो प्रकार की है, अमीबी और श्रावी या ग्रंथल, तो उसको अपन यहाँ ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका में भी क्या होते हैं, अनियमित विभाजन होते हैं और उन अनियमित विभाजनों से प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाओं से क्या बन जाती है, लघु बीजाणु
मात्र कोशिकाएं क्या बन जाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे क्या बन गई? लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रसूतक कोशिका कैसी थी? द्विगुणित, है ना, क्योंकि एक द्विगुणित पौधे की कोशिका द्विगुणित होती है। सब में विभाजन कौन से हो रहे हैं? यहाँ तक अर्धसूत्री से पहले तक समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, तो यहाँ तक कोशिकाएं कैसी रहेंगी? द्विगुणित रहेंगी, ये भी द्विगुणित रहेंगी पूरी। फिर अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो लघु बीजाणु कैसे हो गए? अगुणित हो गए। ठीक है, हम यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, यही प्रक्रिया होगी बिल्कुल सेम, है ना। अंतर केवल इसमें आ जाएगा। इसमें क्या अंतर आएगा कि गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें भित्ति चार परतों में न हो करके इनकी जगह पर कितनी परतें होंगी? एक। कितनी परत होगी? एक। ठीक है, तो ये अगर अपन को याद है लघु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन भी अपन को याद है। उसमें एक या दो छोटे से परिवर्तन आते हैं, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अब अपन शुरू कर दें किसको? गुरु बीजाणु जनन को। देखिए, गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है किसमें होगी? वो गुरु बीजाणु धानी में होगी। तो सबसे पहले हम गुरु बीजाणु धानी का चित्र बना लेते हैं। गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड जो अंडाशय के अंदर पाया जाता है उसका। ये इस तरीके से इसका जो बीजांड का है, ध्यान है, आपको ध्यान है, फिर से नाम बता रहा हूँ, बीजांड ब्रंत, नाभिक, अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड काय, यही नाम है ना। बीजांड काय वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय ऊतक है, मृदूतकीय कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है, तो इसको हम मृदूतकीय कोशिकाओं से बना देते हैं। ये हमने इसको मृदूतकीय कोशिकाओं से निर्मित बना दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये मृदूतकीय कोशिकाओं से निर्मित बीजांड का है, किसके अंदर? बीजांड के अंदर। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो बीजांड काय है उसकी कोई भी एक कोशिका किस रूप में कार्य करेगी? प्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो यानी हम इसको ये मान लें कि ये कोशिका कौन सी हो गई? प्रसूतक कोशिका हो गई। ठीक है, प्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है। आगे लघु बीजाणु जनन में क्या पढ़ा था? प्रसूतक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, उससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं? दो। अब हम क्या करें, दो कोशिकाएं बना देते हैं विभाजन के बाद। अब हमने केवल कितना भाग बनाया है? इतना भाग, पूरे भाग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें विकास इसमें पढ़ना है, तो हम केवल इतना भाग अब आगे बना के चलेंगे। ये बीजांड काय वाला भाग है। प्रसूतक कोशिका में क्या हुआ? एक विभाजन हो गया, कौन सा? अनुप्रस्थ, लिख दो भले यहाँ, अनुप्रस्थ
विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिकाएं बन गई? दो, है ना। इसमें से जो नीचे वाली कोशिका, बाहर की तरफ की जो कोशिका होती है, उसको कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, और ये ऊपर वाली कोशिका है ये कहलाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, वही चल रहा है अभी, लघु बीजाणु जनन वाला। प्रसूतक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, उससे दो कोशिकाएं बनी, भीतर की तरफ प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका और बाहर की तरफ बनी प्राथमिक भित्ति कोशिका। आगे होता क्या है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें आगे हमने क्या पढ़ा था कि अनियमित विभाजन होते हैं, और अनियमित विभाजनों से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में तो ये चार स्तरीय भित्ति का निर्माण करती है, लेकिन गुरु बीजाणु जनन में ये एक स्तरीय भित्ति का निर्माण करती है, ये अंतर आएगा। लघु बीजाणु जनन में ध्यान रखना है भित्ति कितने स्तरों की बनती है, चार स्तरों की, लेकिन गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ भित्ति एक स्तर की बनेगी, तो एक स्तरीय भित्ति का निर्माण होगा। और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, लघु बीजाणु जनन में पढ़ा था कि इसमें अनियमित विभाजन होते हैं, जिससे क्या बनती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका विकसित हो करके आकार में वृद्धि करके ये की सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। यानी इसमें अब आगे विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको फिर से बना लेते हैं एक बार इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये मान लें कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये बन गई एक, ठीक है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका किस रूप में विकसित हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। अब आपको ध्यान क्या देना, यहां तक अभी कोई भी विभाजन अर्धसूत्री नहीं हुआ, सारे विभाजन कैसे हो रहे हैं, समसूत्री हो रहे हैं। इसका मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अभी भी कैसी है, द्विगुणित है, अभी भी कैसी है, द्विगुणित है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया इस तरीके से ये संपन्न होती है। आगे यदि आपने ये डायग्राम बना लिया है तो मैं इस वाले डायग्राम को अब मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पहले डायग्राम को चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है कौन सा, अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण सबसे पहली बात तो हमें ध्यान ये देना है कि अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन अर्धसूत्री होता हो रहा है तो कोशिकाएं कितनी बनेंगी, चार। ठीक है, तो यहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन अर्धसूत्री, तो इसको हम चार कोशिकाओं में डिवाइड कर दिया, ये बाकी का ऊतक वही मृद ऊतकीय कोशिकाओं का बना हुआ बीजांडकाय है ये। इस
तरीके से। अब ये क्या बन गए, ये चार, इनको हम लिखेंगे गुरु बीजाणु। चार क्या बन गए, गुरु बीजाणु। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ मतलब चारों गुरु बीजाणु कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे, ठीक है। आगे ध्यान, अब इसमें क्या है, जो चारों गुरु बीजाणु बने हुए हैं, इसमें लघु बीजाणु जो बने थे वो तो क्या है, चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं और उनके चतुष्क प्रकृति में चार पांच प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं उनके व्यवस्थित होने की। लेकिन गुरु बीजाणु जो बनते हैं, चार बनते हैं और चारों सदैव एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। रेखिक क्रम का मतलब चारों के चारों गुरु बीजाणु एक लाइन में, एक रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इन चारों में से तीन गुरु बीजाणु ऊपर वाले कैसे हो जाते हैं, विघटित तो हो जाते हैं। क्यों, जो नीचे वाला गुरु बीजाणु है ये रहेगा सक्रिय गुरु बीजाणु। आगे की सारी प्रक्रियाएं किसमें रहेंगी, सक्रिय गुरु बीजाणु में होंगी। तो सक्रिय गुरु बीजाणु इन तीनों गुरु बीजाणुओं का उपयोग किस रूप में करेगा, पोषण के रूप में इनका उपयोग कर लेता है, ठीक है। अब पोषण के रूप में उपयोग कर लेगा तो ये तीनों गुरु बीजाणु नष्ट हो गए। अब कौन सा बचा, एक आधारीय बीजांड द्वार की ओर वाला जो गुरु बीजाणु बचता है वो सक्रिय रह जाता है और वो फिर धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करता है। तो अब इसको हम अगला जो डायग्राम है वो यहाँ बना रहे हैं। ये इस गुरु बीजाणु ने आकार में वृद्धि कर ली, ठीक है, और ये अब कहलाता है सक्रिय गुरु बीजाणु, जो कैसा है, अगुणित है। तो ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु बना था किससे, प्रसूतक कोशिका से, प्रसूतक कोशिका से लेकर के, और ये पूरी प्रक्रियाएं कहाँ तक, सक्रिय गुरु बीजाणु जो अगुणित होता है यहाँ तक के निर्माण की पूरी प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो ये गुरु बीजाणु जनन हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको हम, यहाँ जो चित्र बनाया था उसमें क्या होता है, बीजांड बनाया था, बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका प्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है। प्रसूतक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएँ बनती हैं, बाहर वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं और भीतरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका अनियमित विभाजनों द्वारा एक स्तरीय भित्ति का निर्माण करती है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अपनी वृद्धि करने के बाद किसमें रूपांतरित हो जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका में विभाजन नहीं हो रहे, केवल क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है और फिर रूपांतरित होगी किसमें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन अब कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन होने से इससे चार कोशिकाएँ बनी और इन चारों कोशिकाओं को कहते हैं गुरु बीजाणु, यानी चार गुरु बीजाणु बन गए जो अर्धसूत्री विभाजन के कारण कैसे हैं, अगुणित हैं और एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से क्या होता है, जो निभाग की तरफ के यानी ऊपर की ओर के तीन गुरु बीजाणु होते हैं वो बीजांड द्वार की ओर वाले सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा उनका उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है, जिससे ऊपर के तीनों गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और एक शेष रहता है नीचे वाला आधारीय, जो कैसा कहलाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है।
सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करेगा, फिर अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। ये प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, इसको गुरु बीजाणु जनन को चित्र सहित वर्णन इस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, चित्र ये हो गए, और उसके बाद जो बोल रहे हैं हम, जो समझा रहे हैं आपको, वही एक तरह से हमें लिखना है। तो अगर हम फिर से, मैं आपको कह रहा हूँ, चित्रों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में चित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में सक्रिय जो गुरु बीजाणु बना है, इससे आगे अब किसका निर्माण होगा, युग्मकोदभिद का निर्माण होगा, है ना। तो अब हेडिंग आएगी मादा युग्मकोदभिद का निर्माण। ठीक है, अब क्या एडिंग आएगी, मादा युग्मकोदभिद का निर्माण। अब सारे चित्र हटा देते हैं। अब हमें मादा युग्मकोदभिद का निर्माण, इसका निर्माण होता है किसमें, सक्रिय गुरु बीजाणु में। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो अगला चित्र बनाएंगे वो केवल किसका बनाएंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु का बना लेंगे। ठीक है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बीजांड था, बीजांड के अंदर बीजांड का है, उसके अंदर सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, अब हम यहाँ हम बना लेते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु को, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए और दिखाई भी दे। इस तरीके से क्या बन गया, ये सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु का ये क्या, एक केंद्रक कैसा है, अगुणित है। ठीक है, अब यहाँ से आगे शुरू हो रहा है मादा युग्मकोदभिद का निर्माण। इसको समझिए आप किस तरीके से होगा, इसको यहाँ तक भूल जाइए। ये इसलिए नहीं मिटाया था ताकि आपको पता रहे कि ये जो हमने बनाया है वो क्या है, ये बनाया है हमने वो क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु है। ठीक है, तो अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब केवल हमारे पास क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, जो कैसा है, अगुणित है। सबसे पहली बात, इस गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है उसमें एक समसूत्री विभाजन होता है, और उस एक समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो। गुरु बीजाणु के अगुणित केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए। ये दोनों केंद्रक में से क्या होता है, एक केंद्रक निभाग की ओर गति करना आरंभ कर देता है, और एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर गति करना शुरू कर देता है। ठीक है, गति करते हुए जैसे बीजांड द्वार की ओर जो केंद्रक आ रहा है वो तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और निभाग की ओर जो केंद्रक जा रहा है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी अब ये पहुंच गए अपने ध्रुवों पर, एक निभागीय ध्रुव पे पहुंच गया और एक बीजांड द्वार वाले ध्रुव पे पहुंच गया। अब यहाँ ध्रुवों पर पहुंचने के बाद यहीं पर क्या होगा, इनमें दूसरा और तीसरा विभाजन, यानी एक यहाँ हो गया, अब ये जो केंद्र के यहाँ आ गया इसमें एक समसूत्री विभाजन और होगा, कितने केंद्रक बने, दो। ऐसे ही इसमें एक समसूत्री विभाजन और होगा, कितने केंद्रक बने, दो। ठीक है, कितने समसूत्री विभाजन हो गए, दो। एक यहाँ हुआ, दो केंद्रक बने, एक ऊपर की ओर चला गया, एक नीचे की ओर आ गया। दूसरा विभाजन दोनों में कहाँ हो रहा है, ध्रुवों पर।
और तीसरा विभाजन भी यही होगा ध्रुवों पर, इस दोनों में समसूत्री विभाजन होगा, कितने केंद्रक बनेंगे, चार हो गए। यहाँ भी क्या हुआ, दोनों में समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक हो गए, चार केंद्रक हो गए, यानी टोटल विभाजन कितने हुए, तीन समसूत्री विभाजन हुए हैं, उनसे आठ केंद्रक निर्मित हो गए। ठीक है, कितने केंद्रक निर्मित हो गए, आठ। इन आठों केंद्रकों के बन जाने के बाद ये कौन सा सिरा है, निभाग वाला, और ये कौन सा सिरा है, बीजांड द्वार वाला। इन केंद्रकों में अब निर्माण होना शुरू हो जाएगा, किसका, भित्ति का, भित्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये एक केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन गई, दूसरे केंद्रक के चारों ओर बन गई, तीसरे केंद्रक के चारों ओर बन गई, ऐसे ही इधर एक केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन गई, दूसरे के बन गई और तीसरे के बन गई। यानी भित्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तीन तीन केंद्रकों के चारों ओर होती है। केंद्रक कितने थे, चार चार, यानी एक एक केंद्रक कैसा रह गया, बिना भित्ति निर्माण के रह गया, मुक्त रह गए। जो केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एक एक मुक्त हैं, ये क्या होंगे, अब वापस से केंद्र की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। वापस से क्या होगा, ये दोनों केंद्र की ओर गति करेंगे। दोनों जब केंद्र की ओर गति करते हुए आते हैं तो ये स्थिति ये बनती है, दोनों कहाँ आ गए, बिल्कुल मध्य में पहुंच गए, ये यहाँ आ गया और नीचे वाला भी मध्य में आ गया। मध्य में पहुंच जाने के बाद फिर ये दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और एक केंद्रक बन जाता है इनका। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बन जाती है किसके अंदर, ये गुरु बीजाणु के अंदर हुई। अब ये कितने कोशिकीय हो गया, सात कोशिकीय। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है, कोशिकाएं सात बनी हैं लेकिन केंद्र कितने बने थे, आठ बने थे, है ना। अब ये जो संरचना निर्मित हो गई कहाँ हुई है, फिर दोबारा से मैं उसी डायग्राम को डेवलप कर रहा हूँ ताकि आइडिया आ जाए। ये संरचना बनी यहाँ, यानी ये बीजांड हो गया। देखिए ये वो कोशिकीय वाला भाग जिसको हमने बीजांड काय लिखा था, है ना, पूरा अंदर तक। अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु बना था ये अब किसका रूप ले लिया इसने, अब इसको हम कहेंगे भ्रूण कोष। क्या कहेंगे, भ्रूण कोष, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एम्ब्रियो सैक, या इसी का दूसरा नाम है मादा युग्मकोद्भिद। यानी सक्रिय गुरु बीजाणु विभाजनों के द्वारा जब सात कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है तो वो सात कोशिकीय संरचना कहलाती है मादा युग्मकोद्भिद। इस मादा युग्मकोद्भिद का ही दूसरा नाम क्या है, भ्रूण कोष है। ठीक है, अब इसमें ये जो कोशिकाएं हैं इनको नाम क्या देंगे, निभाग की ओर की जो तीन कोशिकाएं हैं इन तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। निभाग की ओर की तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। बीजांड द्वार की ओर भी कितनी कोशिकाएं, तीन। इन तीनों कोशिकाओं में इनके अलग अलग नाम होंगे, जैसे मध्य की
अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका कहलाती है अंड कोशिका, और दोनों साइड की कोशिकाएं, अंड कोशिका के दोनों ओर दो कोशिकाएं हैं, ये कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तीन ये कोशिकाएं हो गई, तीन ये हो गई, अब एक मध्य में बची, मध्य की ये कहलाएगा द्वितीयक केंद्रक। क्या कहलाएगा? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो सात कोशिकीय संरचना भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की जो सातों कोशिकाएं होती हैं उनके ये नाम हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं सदैव निभाग की ओर पाई जाती हैं, और ये अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं सदैव कहाँ पाई जाती हैं? बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं। दूसरा, अंड कोशिका सदैव सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है, उनके बीच में पाई जाती है। अब गुणता देखते हैं इनकी, गुणता और इनके आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, जब तक आप गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद के विकास को आप डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।